हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी क्लासेस एंड आई होप यू ऑल विल बी सेफ एंड हैप्पी इन योर होम्स विद योर फैमिली मेंबर्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो इन आवर रेगुलर सेशंस रिलेटेड टू नरेशन इन आवर प्रीवियस क्लास प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीइंग द सम रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ नरेशन and our study could proceed heading number 5 when we were talking about some general instructions related to narration. Today we will study how we should convert, or we can say very easily, conversion of direct speeches into indirect speeches. So students, aaj ka topic hai ki direct speech ko indirect speech mein kaise badla jaye. Hame lagta hai ki aapke liye सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप पढ़ना भी चाहते हैं, यहीं से नरेशन अगर अक्सर आप ये मान लेते हैं कि स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीचेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेज। लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास डायरेक्ट स्पीच है, कहता है कोई व्यक्ति, राम सेज I am a student। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। राम सेज I am a student। अब देखिए इसको मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा राम सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। ये रहा आपका चेंज। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिया है राम सेज आई एम स्टूडेंट एंड आई हैव चेंज्ड इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आल्सो एंड दैट हैज बिकम एच राम सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या देख रहे होंगे कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है या कन्वर्ट किया गया है तो यू कैन फील सम चेंजेस। आप कुछ परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है, दैट एक कंजंक्शन लगा हुआ है, यहाँ जो आई था वहां ही हो गया, फिर एम है तो उसके अनुसार फिर यहाँ ईज हो गया। कुछ स्लाइट जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है वो हुए। तो स्टूडेंट्स, हमको आज यही पढ़ना है कि यदि कोई डायरेक्ट स्पीच हो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमको कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताया था कि दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है टेंस की पहचान और एक है सेंटेंस की पहचान। ये अगर आपने विगत इन दो तीन दिनों में पढ़ लिया होगा तो अब ये टॉपिक आपको समझ में जरूर आएगी। चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बहुत से बातों को ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनेंगे। व्हेन एवर वी चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी केयर सम पॉइंट्स। हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, कुछ तथ्यों पर, कुछ फैक्ट्स पर हम ध्यान देते हैं। और जिन बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं को रूल्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट स्पीचेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस कहा जाता है। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जहां पे आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना होता है। और जब आप इन बातों को ध्यान देते हैं तो ये जो ध्यातव्य बातें हैं, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, इन्हीं को कहा जा सकता है कि रूल्स होते हैं, ये वो नियम है जिनको हमें मानना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हमें कुछ नियमों को जानना पड़ेगा। अभी नियमों की परिभाषा भी मैंने आपसे बातचीत में ही कर दिया कि डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन यू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यू शुड केयर सम पॉइंट्स, यू शुड केयर सम थिंग्स एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज द रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीचेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेज। इन्हीं को हम नियम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, पढ़ने की सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी,
अध्ययन की सुविधा के लिए इन नियमों को हम दो भागों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो स्मूथ हो जाएगी, स्वीट हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। यानी जितने भी नियम है उनको हम दो भागों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो ये रूल्स हैं आपके, उनको यहां से मैं दो भागों में बांट देता हूं। अब देखिए, ये मान लीजिए आपके रूल्स हो गए, रूल्स ऑफ कन्वर्जन। अब इसको पढ़ाई की सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, वी कैन क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों की परिभाषा भी मैं करूंगा, डेफिनेशन भी करूंगा समझा के। पढ़ने की सुविधा के लिए डायरेक्ट स्पीच को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम जितने भी नियमों को अपने दिमाग में फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? पढ़ाई की सुविधा के लिए, तो उसमें से एक पार्ट हो जाता है जनरल रूल्स, पर एक को हम कह सकते हैं स्पेशल रूल्स, यानी सामान्य नियम और विशेष नियम। अब इसको डिफाइन करके पहला मान लीजिए हेडिंग में लगा देता हूं जनरल रूल्स। अब जाहिर सी बात है पहले आप इसके बारे में इसका कंसेप्ट जानना चाहते होंगे कि किस नियमों को जनरल रूल्स कहेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और जो मैं बता रहा हूं उसको फेयर कॉपी पे आप लिख भी सकते हैं। जनरल रूल्स आप समझ लीजिए, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। कहने का अर्थ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एसर्टिव हो सकता है, उसके अंदर इंट्रोगेटिव हो सकता है, उसके अंदर इंपरेटिव हो सकता है, उसके अंदर ऑप्टेटिव हो सकता है, उसके अंदर आप एक्सक्लेमेटरी फील कर सकते हैं। तो जनरल रूल्स का मतलब हो गया कि जिन नियमों का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान नहीं देना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो नियम सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर एक समान लगाए जाएं, कोई भेदभाव नहीं, वो एसर्टिव हो, वो इंट्रोगेटिव हो, वो ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, सभी के साथ इन नियमों का प्रयोग एक जैसा होगा, तो ऐसे नियमों को हम जनरल रूल्स कहेंगे। और जिन नियमों का प्रयोग पार्टिकुलर सेंटेंस के अनुसार होगा, एसर्टिव है तो केवल इन बातों का ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव है तो केवल इन बातों का ध्यान रखना है, खास कीप द सेंटेंस इज इंपरेटिव देन यू हैव टू टेक अटेंशन ऑफ दीज पॉइंट्स, तो उनको कह देंगे स्पेशल रूल्स। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी जनरल रूल्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ एक साथ प्रयोग किए जाएंगे। एक बात मैं और अपने अनुभव के आधार पर कह दूं कि जो जनरल रूल्स है अगर इसको हम ठीक से समझ लेते हैं तो नरेशन का हमारा लगभग जो 60% है वो कवर हो जाता है, 40% में ही स्पेशल रूल्स आपके रहते हैं, 60% तो जनरल रूल्स ही आपके काम आते हैं। तो ये आपका रहा जनरल रूल्स। अब यहाँ पे हम लोग अपनी बात को स्टूडेंट्स आगे बढ़ाएंगे। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स क्या है आपको समझ में आएंगे। अब ये देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक वही है उसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं, जनरल रूल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो जनरल रूल्स होते हैं वो तीन होते हैं, जैसे इसको आप बांट सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन, इसको ये भी कहते हैं कहीं चेंज इन पर्सन, और फिर दूसरा हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस, और एंड थर्ड हो जाएगा चेंज इन, वो कह देंगे चेंज इन सम अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब इसको यहां से बहुत स्लाइट हो जाना है, जो जनरल रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो तीन होते हैं और इन तीनों को हमें बहुत बारीकी से बहुत प्यार से समझना है। पहला क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। अब ये क्या है, कैसे होता है ये मैं नहीं बता रहा, वो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा जो है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा जो है चेंज इन सम अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों में कुछ और भी शब्द होते हैं, कुछ और भी उसके भाग होते हैं जिनको हमें कुछ नियमों के अनुसार बदलना होता है।
तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम लोग इतना जानेंगे। अभी हमने क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, जितने भी रूल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, इनको रूल्स क्यों कहा गया, किस आधार पर कहा गया, और फिर जनरल रूल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आज के टॉपिक आपको समझ में आई होगी और अगले वीडियो में हम लोग जनरल रूल्स को आगे स्टडी करेंगे। आप इसको लिखते भी जाएं अपने पेयर कॉपी पे और समझते भी चले, जाने ही आता है वहां, आप नीचे कमेंट में आकर के लिख सकते हैं। लास्ट में वही कहूंगा, इस कोरोना के पीरियड में, कोरोना ड्यूरेशन में आप जहां भी हैं सुरक्षित रहिए और स्टडी को एंजॉय करिए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक्स।